फाजिल कादी गोशाला रोड से राजमहल दे विच अतुल नागपाल की अगवाई दे विच सवेरा फाउंडेशन अते यूथ हेल्पर संस्था ने वंडिया जरूरतमंदा नूं राशन। फाजिलका दे जरूरतमंदा की मदद दे लई सवेरा फाउंडेशन अते यूथ हेल्पर संस्था अगे आई है, जिन्हां वल्लों करोना काल के दौरान प्रभावित होए लोगों नूं राशन वितरित किया जा रहा है। जानकारी देंदे हुए संस्था के प्रधान अतुल नागपाल ने दस्या कि उन्होंने संस्था वालों यूथ हेल्पर संस्था के सहयोग के नाल राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करोना काल के दौरान सरकार वालों लोगों की मदद नहीं की गई, जिसके चलद्या कई लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रभावित लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सकन। उन्होंने कहा कि उन्होंने संस्था अगे भी इस तरह के प्रयास करती रहेगी और जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। अज असी सवेरा फाउंडेशन वालों तो यूथ हैल्पर वालों एक जॉइंट अभियान शुरू किया है, जिंद असी अज राशन किटा जगह ने वो असी अज वंडनिया शुरू कर रहे हैं। ये साडा कोरोना के तहत ये काम शुरू किया गया है। इन्हें असी कोरोना तहत एक जी किटा बनाई ने, जिंद असी आटा दाल तो कुछ जोड़े मसाले वगैरह चीज़ा पाई गई ने, जिंदे नाल जे साडे जॉइंट अभियान यूथ हैल्पर्स ये मिलके जिहड़े एज ए परिवार हैगे ने, जिन्हां नूं जरूरतमंद परिवार ने उन्हूं आइडेंटिफाई करनगे। साडे सवेरा दे जिहड़े मैंबर्स ने वो आइडेंटिफाई करनगे, उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके जिन्हां नूं जरूरत हैगी उन्हां तक राशन पहुँचाया जाएगा। असीं इहनूं हर महीने दे महीने 15 दिनां बाद एक ऐसा अभियान चलाया करांगे, जिन्नी सानूं जरूरत होएगी, जिन्नी सानूं नरेश जी इहनां दी जिहड़ी सानूं दसणगे भी इन्नी सानूं राशन की जरूरत हैगी है, साडे सवेरा दी जिहड़ी टीम दसेगी भी इन्नी राशन की जरूरत हैगी है, ये राशन असी उन्होंने घर तक पहुंचावांगे। जिहड़ा हैगा जो तक एक कोरोना महामारी का जिहड़ा हैगा चल रहा है, सरकारां दा तां आपां हाल देख ही लिया कि सरकारां दा बहुत माड़ा हाल हो चुका है। अज ना होस्पिटलां विच जिहड़ी ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल हैगी है, सरकारां जिहड़ियां हैगियां ने उह आदे कुर्सियां दे चक्कर विच कोई दिल्ली घूमदे पए ने, कोई जिहड़े अपने पंजाब दे सीएम हैगे ने उह अज पहाड़ां ते बैठे हुए ने, उह अज उन्हां नूं टाइम ही नहीं हैगा कि जिहड़ी जनता नूं देखण। जिहड़े पिछे भी राशन वंडिया गया उन्होंने भी ना कोई कीड़े तक पै गए, लेकिन वो राशन सही तरीके वंडिया नहीं गया। अज जरा अज मैं देख रहा उन्हें कि साधु सिंह धर्मसोत वर्गा जरा मंत्री है वह भी एक जड़ा है अज जे बच्चों ने वजीफे तक खा गया, उन्होंने वास्ते सरकार सड़क से जी सा ऑपोजिशन सरकार हैगी सड़क से घूमती पई हैगी है, तो अज सारे तो सारे तरह ही हुई पी है, सरकार का कोई हाल नहीं। असं सारी एन जी ओ कहते हैं भी आधे तौर पर जोड़ा है लोगों की मदद करो ताकि जिहड़ा इस संकट के तौर पर जी कोरोना की जी महामारी हैगी है इनू आप इस कोरोना जी संकट चू कढ़ीए बाहर। आज साडे कोल यूथ हैल्पर्स वालों जिहड़े साडे नरेश जी जिहड़े प्रधान हैगे ने, वाइस प्रैजीडेंट मुकेश कुमार जी, जनरल सैकटरी लखन कुमार, कैशियर शंकर, चेयरमैन शगन लाल जी, तो शुभम तो थॉमसन ये अज इत्थे आए हुए ने सारे। साडे जिहड़े सवेरा दे जिहड़े मैंबर हैगे ने जिहड़े अपने उन्हां चों साडा आशा शर्मा जी, सरोज छाबड़ा जी, धर्म चावला जी, उस तो बाद अपने किशन अपने बाबा जी के नाल साडे नाल गौरव कंबोज ये सारे नाल सारे इकट्ठे हुए भी ने। असी एक पूरी टीम के तहत ये अज काम शुरू किया है, तो असी सानू पूरी उम्मीद हैगी कि वध तो वध लोगों तक असी जिहड़ी हैगी लोगों तक असी राशन किटा पहुँचावांगे। सब तो पहला जी मैं यूथ हैल्पर संस्था वालों अतुल नागपाल जी का, अजय नागपाल जी का, सवेरा फाउंडेशन की पूरी टीम का धन्यवाद करदा कि जदों भी मान सानू संस्था नू समाज नू सेवा दी मानवता नू सेवा दी जरूरत होंदी है तो अतुल नागपाल जी, अजय नागपाल जी, सवेरा फाउंडेशन की पूरी टीम हमेशा साडा सहयोग करती आ रही है। तो असी जिवें कि पहला होम्योपैथिक दे कैंप भी लाए सीगे ताकि लोगों नू कोरोना महामारी तो किवें बचाया जा सकता है। अब देखा जाए तो कोरोना महामारी फैली हुई है, प्रशासन ने अपने वालों सख्ती की सी जिहड़ी बहुत जरूरी सी, लेकिन उन्हां नाल कि जिहड़े जरूरतमंद परिवार सी जिन्हां दा कम बंद होने कारण उन्हां दी रोजी रोटी नू थोड़ा दिक्कत हो गई सी, तो इस मुहिम में लैके अस सवेरा फाउंडेशन के नाल अजय नागपाल जी के अतुल नागपाल जी के सहयोग नाल असी राशन किटा प्रोवाइड कराने कि जो बहुत ज़्यादा जरूरतमंद लोग ने ताकि उन्हों की हैल्प की जा सके, उन्हों की मदद की जा सके। मैं थोड़े चैनल राही मैं पूरे फाजिलका वासियों अपील करूँगा कि जिथे भी
इस महामारी दे विच सारे समाज नूं साडी जरूरत होगी ते असी अजय नागपाल जी अतुल नागपाल जी की अगवाई दे हेठ सवेरा फाउंडेशन दे नाल यूथ हेल्पर संस्था हमेशा हाजिर रहेगी मानवता की सेवा लई हमेशा हाजिर रहेगी। संचालक अतुल नागपाल जी दी नेतृत्व जो मानवता दी सेवा दे लई जो काम किया जा रहा है बहुत ही शलाघायोग है जिस दे नाल नाल साडे यूथ हेल्पर जिहड़ी संस्था है यह वधाई का पात्र है पूरी इन्हों की समुची टीम जिहड़ी बहुत ही वधाई के पात्र बहुत जिन्ना अच्छा काम कर रहे हैं मानवता के भले लिए इन्हों की जिनी तारीफ की जाए उन्नी ही घट है। लेकिन सवेरा फाउंडेशन जी सेवावान नाल निभा रहे साडे मैडम सरोज छावड़ा जी आशा शर्मा जी होर भी कृष्ण बाबा जी साडे साथी होर भी जहाज ने गौरव जी ये साथी जो जिनी भी सेवा कर रहे हैं बहुत ही यानी कि बहुत शलाघायोग कदम है। असं अगे भी उम्मीद करने भविख च अतुल नागपाल जी के नाल जी समुची टीम जी यूथ हैल्पर जी संस्था है ये इन्होंने नाल तालमेल बनया रहेगा मानवता के भले की सेवा की जाएगी। धन्यवाद जी। पहला मैं यूथ हैल्पर हाँ इन्होंने सोसायटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जी। एक बहुत वड्डा प्रयास कर रहे ने सारे मिलके इन्होंने इन्ना कु कोर्ट कंपलैक्स वाली रोड नू जाके देखो इन्ना कु चमका दिता अपनी मेहनत के नाल दिन रात जुटे हुए ने। तो दूसरा अज के टाइम जो सरकार के हथ खड़े हो चुके ने लोगों की हैल्प तो बिल्कुल हैल्प नहीं कर रहे लोग त्राही माम मची हुई है करोना तो महंगाई तो होर बड़े ने महंगाई अजकल देखो किन्ना 110 रुपया डीजल है ज तेल है हो चुके है और कई तरह के घोटाले हो चुके ने। इसलिए एक साडे अतुल नागपाल जी जो साडे सवेरा दे सरप्रस्त ने इन्हां दी अगवाई विच असीं एक छोटा जिहा साडे वल एक छोटा जिहा प्रयास है जो कि पहले भी साडी संस्था इन्हां दी सवेरा दे नागपाल साहब दी अगवाई दे विच टाइम टू टाइम लोगों की हैल्प करते रहे ने ते अज भी एक प्रयास कर रहे हां तां कि करोना काल दे विच जिहड़े भी लोग ने क्योंकि यह टाइम ऐसा सीगा सब दे रोजगार खत्म हो चुके ने लोग महंगाई की मार दे नाल पहले ही पिस चुके सी और साडी संस्था है इन्हां दा अपने वल्लों कुछ थोड़ी जी मदद है आपको असी इंसान कुछ कर नहीं सकता पर एक छोटा प्रयास है जो आदे वालों साड़ी सवेरा फाउंडेशन वालों इस दे सरप्रस्त नागपाल साहब वालों किया जा रहा है और मैं उम्मीद है भई टाइम तो टाइम असी इन्हां दी करते रहेंगे और लोग साडा सहयोग करते रहेंगे और टीम है जिहड़ी ये भी साडे नाल मिल के चलेगी और जो भी लोग नीडी लोग ने उन्हां दा सानू एक लिस्ट देवेगी जो भी है भी ये लोगों नू असी ताकि टाइम टू टाइम सहायता कर सकीए। धन्यवाद। दिन पहला असी मेडिसन दा होम्योपैथिक भी कैंप लगा रहे सी ता कुछ साडे डॉक्टर्स नू कोई जरूरी काम पै गया काम की उना दी एंगेजमेंट सी इसलिए असी विचो दो चार दिन छड़ता शायद दो चार दिन तो असी फिर दवाइयां वाला भी करांगे प्लस साडे नाल यूथ विंग वाले मैंबर्स ने इन्हां नू अज बुला के ते राशन किटां दा भी मतलब शुरू कीता है कि जेडे परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते जां जिन्हां नू जरूरत है सो इन्हां दे थ्रू उन्हां नू पहुंचाईयां जाणगीयां। सो धन्नवाद करदे हां असीं यूथ विंग वालियां दा।